माइक्स वगैरह इधर भी है, प्रैक्टिस कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह का 9:40, तो आज हम सुबह उठ गए हैं, सोचे सुबह सुबह आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि पता है गाइस कि मैं अपने छोटे भाई का घर आया हूँ और अभी मैं मतलब नहा के पूरा रेडी हो गया हूँ सुबह सुबह, तो आज सोचे सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी जस्ट नहा के आए हैं और अभी थोड़ा पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं गाइस। ये है यहाँ का अगरबत्ती, जो कि इंडिया का अगरबत्ती बहुत छोटा होता है, यहाँ का अगरबत्ती बहुत बड़ा है। आज थोड़ा पूजा कर लेते हैं शिव भगवान का, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान। तो गाइस ये है मेरा भाई का घर, ये पूरा मेरा भाई का मिरर है, पेड़ रखा है मेरा भाई ने, बम्बू ट्री है साइड। और ये बैल्कोनी है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा। ये पूरा बाहर का सीन है, जस्ट रोड के पास में ही मेरा भाई का घर है। ये बाहर वाला सीन है, हम बाहर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, अभी घर के अंदर आ जाते हैं। ये मेरा भाई ने पूजा स्थान बनाया है, जैसे कि अभी तो मैं पूजा किया था तो आप लोग वीडियो में देख लेंगे, तो बहुत सुंदर है। शिव जी को रखे हैं और माता लक्ष्मी है, सरस्वती है और विराजमान है गणेश भगवान। तो बहुत अच्छा है, इंडियन कल्चर को अपना रहा है मेरा भाई वियतनाम में, बहुत देख के खुशी है। और ये मतलब पूरा मेम्बर का फोटो है, जो कि ये अनवारी है, मेरे भाई को बर्थडे गिफ्ट मिला है, तो पूरा मेंबर लोग जो है अपना अपना फ़ोटो चिपका के दिया है। देखिए मेंबर काफ़ी पसंद करता है मेरे भाई को, यहाँ पर काफ़ी सारा मेंबर जो है मेरे भाई को मानता है मतलब, तो ये सब मेंबर जो है गिफ्ट दिया था मेरे भाई को और बर्थडे में। ये अनवारी बहुत प्यारा सा है, बहुत खूबसूरत है। ये पूरा घर है ये मेरा भाई का, तो एक आदमी के लिए तो काफ़ी है, ये सब लोग मेंबर लोग ही चिपका के देते हैं। ये है साजन भाई, साजन भाई फैमिली को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, यूट्यूब फैमिली को। ये भाई है, मोबाइल चला रहा है, क्लास आके अभी सोया हुआ है, क्लास गया था एक्चुअली 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, तो अभी आके सोया हुआ है। क्या बना है नाश्ता? चिकन चावल बनाया। सुबह सुबह चिकन चावल सुबह चिकन बनाया जाता है, कुछ रोटी वोटी बनाता ना सुबह सुबह? चिकन चावल मत बनाया करो सुबह सुबह, कुछ ब्रेड वगैरह दूध वगैरह ये सब खाया करो सुबह सुबह। रोटी चिकन बनाता है, कौन सा रूल है रोटी चिकन का? तो गाइस सुबह सुबह देखिए मेरा भाई ने अभी चिकन बना दिया है ना, मतलब खाने का तो चिकन है, मतलब दिन में सुबह सुबह क्लास से आया सुबह सुबह चिकन बना दिया है, तो अब चिकन ही खाएँगे। मतलब क्या अब ब्रेकफास्ट नहीं होगा, अब डायरेक्ट होगा तो मतलब लंच ही होगा, तो लंच कर लेंगे। ये छोटा सा घर है, बहुत प्यारा है, ऊपर भाई ने सब कुछ व्यवस्था टाइट रखा है, एसी उसी लगा के। और देखिए विंडोज़ भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं नीचे, इधर से भी एक मतलब
बैल्कोनी है छोटा सा और ये पूरा रूम है। देखिए ये मतलब पलंग वलंग जो है ना सब सेटअप ही मिलता है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, वो पूरा सेटअप है, पलंग वगैरह सब सेटअप है। ये भी है, ये घर का अंदर वाला सीन है। तो गाइस हम मिलते हैं फिर आपसे, आप डायरेक्ट मतलब ब्रेकफास्ट क्या बोलेंगे, आप लंच ही करते हैं क्योंकि भाई तो अब चिकन बना दिया है, तो चिकन और चावल खा के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस लंच कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सो गए थे, खाना खा के नींद आ गया था। तो अभी बेसिकली जो टाइम हो रहा है 5:22 हो रहा है, थोड़ा लेट से सो के उठे। तो अभी थोड़ा बाहर निकलेंगे, साजन भाई अपना डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर और छोटा भाई इधर है, अभी क्लास लेके आया है। अभी नेक्स्ट क्लास कितना बजे है, नेक्स्ट क्लास 5:30। अच्छा 5:30 में है, तो तेरा 5:23 हो गया है, 7 मिनट और बाकी है तेरा। तो रात का खाना क्या बनना है आज? रात को तो हम पार्टी से जाएंगे। हाँ रात को तो से पार्टी जाएंगे। तो हम लोग साजन भाई क्या खाएंगे? चिकन रखा भाई, तो हम लोग के पास चिकन ही चावल खाना होगा। तो ठीक है, तो कितना बजे आएगा पार्टी से? ठीक है, तो आज गाइस छोटा भाई का मतलब चांदी है, पार्टी में जाएगा और हम लोग साजन भाई रहेंगे क्योंकि मेरा भाई का मेंबर है तो उनको इनवाइट है, तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, हम लोग घर पे ही रहेंगे और घर पे ही खाएंगे। और शाम को हम और साजन भाई बाहर निकलेंगे, अभी तो मेरा भाई क्लास के लिए जा रहा है सेंटर, तो हो सकता है इसका सेंटर भी हम लोग विजिट करेंगे क्योंकि मेरा भाई बोला है कि सेंटर अगर आओगे तो आना तुम लोग, तो हो सकता है हम लोग घूमते घूमते अपना भाई का सेंटर भी जा सकते हैं। तो गाइस फिर बाहर निकलते हैं, तो देन आपसे फिर हम मिलते हैं। तो गाइस हम बाहर निकल चुके हैं और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, अभी जा रहे हैं अपने भाई के सेंटर में, वहां जाते हैं और देखते हैं, आप लोगों को मिलाते हैं और दिखाते हैं मेरे भाई का सेंटर कैसा है और ये बाहर का उसका सिटी का नज़ारा है। बस अभी हम और साजन भाई पैदल निकले, सोचे बाइक लेके जाएंगे लेकिन साजन भाई बोले कि नहीं बाइक लेके नहीं चलना है, मौसम अच्छा है तो पैदल ही चलते हैं। तो हम लोग भी डिसीजन लिए कि चलो पैदल ही चलते हैं, घूमते घूमते मज़ा आएगा पैदल। तो गाइस मिलते हैं फिर जिम में वहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने भाई का सेंटर, ये रहा मेरे सेंटर। नीचे से आपको दिखाता हूँ, नीचे जो है वो झूमर वगैरह का मतलब शॉप है, अच्छा अच्छा, और ऊपर में पूरा जिम है, योगा है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, रोड क्रॉस होता हूँ, ये देखिए पूरा जो दुकान है ये पूरा झूमर का दुकान है और ये बिल्डिंग में पूरा योगा जिम सब होता है। अभी अंदर चलते हैं और फिर अंदर का आपको सीन दिखाते हैं। तो गाइस ये है मेरा भाई का सेंटर, मैं पहुंच गया हूँ ऊपर, प्रैक्टिस कर रही है आंटी लोग, ये साजन भाई बैठा हुआ है इधर, ये फ्रिज है गिफ्ट में, जो भी मेंबर जीतेगा उसको दिया जाएगा टीवी और फ्रिज। ये पूरा जिम है, थोड़ा घुमाता हूँ आपको, लग्जरियस है, इधर प्रैक्टिस हो रहा है, जिम ट्रेनर लोग है बैठा हुआ, रनिंग करने वाला है, बाइक्स वगैरह इधर भी है, प्रैक्टिस कर रही है। काफ़ी अच्छा जिम है गाइस, मतलब पूरा मल्टी है, किक बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग खेला जा रहा है। देखिए बच्चा है जिसको ट्रेनर ट्रेन कर रहा है किक बॉक्सिंग के लिए, ये पूरा इधर है, डम्बल वगैरह है, बाइसेप बना सकते हैं आप, ट्राइसेप बना सकते हैं, डोले शोले बना सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग का ये है। काफ़ी अच्छा जिम है, अभी मैं अपना
भाई को दिखाता हूँ, ट्रेनर लोग हैं। ये रहा मेरा भाई का जिम, अब गेट खुलेगा। ये सेंटर है मेरे भाई का, एक्चुअली पीटी चल रहा है। ये पूरा सेंटर है, इसी में मेरे भाई का योगा होता है। आवाज़ नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि भाई का पीटी चल रहा है अभी। तो गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं। ये पूरा जो एरिया है पार्किंग एरिया है गाड़ी लगाने वाला, आप देख रहे हैं। मेरा भाई ऊपर पीटी ले रहा है, तो हम अब नीचे आ गए। अब हम बाहर कहीं बैठेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर आज का ब्लॉग जो है हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।